हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं गरम मसाले की रेसिपी। गरम मसाला बनाना बहुत आसान है और आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बनाने वाले हैं गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला तो किसी भी सब्जी में, दाल फ्राई में या पोहा, बिरयानी, किसी चीज़ में डालने पे उसका स्वाद दोगुना बढ़ा देता है। तो क्यों ना हम गरम मसाला घर ही में बनाएं। घर का गरम मसाला से स्वाद और बेहतर होगा किसी भी चीज़ का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। 1 टीस्पून जावित्री कबाब चीनी, 10 ग्राम सहजीरा, 10 ग्राम बड़ी इलायची, 25 ग्राम लौंग, 25 ग्राम दालचीनी, 25 ग्राम तेज़पत्ता 15 पीस और छोटी इलायची 10 ग्राम। इसको ऑन कर देंगे। और कढ़ाई को हम 1 मिनट तक गर्म होने देंगे। मैंने मसालों को एक जगह कर दिया था, अभी सारे मसालों को इसमें डाल देंगे। अब इस गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत गर्म हो चुकी है और इसे हम 5 मिनट के लिए कढ़ाई में ऊपर नीचे करके गर्म करेंगे। मैंने गैस ऑफ कर दिया है, इसे फ्राई नहीं करना है, इसे बहुत देर तक नहीं रखना है गैस जला के। इसमें से सिर्फ हमें मॉइस्चर जो है वो बाहर निकाल लेना है ताकि हमारा मसाला जो है काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहे और खुशबू इसमें बरकरार रहे। दोस्तों, ये मेरा मसाला गर्म हो चुका है और इसे हम एक प्लेट में पलट देंगे और इसको मैंने 5 मिनट तक गैस बंद करके कढ़ाई में छोड़ा है। लेकिन देखिए, अब ये मसाले देखिए कैसे गर्म होकर और इस तरीके के हो गए हैं कि अब ये आराम से पीसे जा सकते हैं। इनको मैं प्लेट में पलट दूँगी। इन्हें याद रखिए, इन्हें हमें फ्राई नहीं करना है, बस कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद इसको मसालों को डाल देना है और गैस को ऑफ कर देना है और कढ़ाई में 5 मिनट मसालों को छोड़ के हमें उलट पुलट करना है। इसे प्लेट में पलट देंगे। मसालों को मैंने थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब हम इनको जार में डाल के इस ग्राइंड करेंगे। मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि वो थोड़े गर्म हो चुके हैं। अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। तो चलिए ग्राइंड करते हैं। देखिए, ये हमारा मसाला हो चुका है गरम मसाला। अब इसे हम किसी जार में एयर टाइट जार में खाली कर लें। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे। देखिए दोस्तों, हमारा गरम मसाला बिल्कुल तैयार है। मैं हर अपने सब्जी और दाल फ्राई और बिरयानी सारे चीज़ में यूज़ करती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसे 2 जगह इसलिए रखा है क्योंकि ये एयर टाइट कंटेनर में इसे भर के रख दूँगी ताकि ये लंबे समय तक चले। और इसे मैं रोज़ यूज़ करने के लिए थोड़ा सा निकाला है क्योंकि बार बार मसालों को खोलने से मसालों की खुशबू उड़ जाती है। तो ये मैंने रोज़ यूज़ करने के लिए रखा है और ये मैंने प्रिजर्व करने के लिए रखा है और ये 2-3 महीने तक आराम से चल जाएंगे। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आप इसे बनाएं
और आप इसी तरीके से इसे प्रिजर्व करके रखें और हर एक सब्जी, दाल फ्राई, बिरयानी और पोहा में इसे यूज करें। देखिए आपके सब्जी और सारे चीज़ों का स्वाद कैसे दोगुना हो जाता है। ये मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने आज आपसे शेयर किया। बताएं, आप ज़रूर इसे बनाएं और हमें कमेंट करें कि कैसा बना है। थैंक यू दोस्तों।